तो सोर्सेज ये इंडिकेट कर रही है कि मुंबई इंडियंस शायद यहां पर जो सबसे बड़ी गलती होगी उनकी कि शायद यहां पर रोहित शर्मा को ही रिलीज कर दे। अगर हम उनका रोस्टर देखें, 16 करोड़ रुपए के रोहित शर्मा है, 15 करोड़ रुपए हार्दिक पांड्या के लिए ऑफिशियली दे रहे हैं, ऑब्वियसली मैंने बताया कि पीछे से भी दे रहे हैं, 16 करोड़ रुपए रोहित शर्मा, और सिर्फ रोहित शर्मा से नहीं बनेगा ना। आप ये तो देखो, ये बुरी तरह फंस चुकी है मुंबई इंडियंस। अब वो रोहित शर्मा को रिलीज करे, अब वो जोफ्रा को रिलीज करे, वो कैबिनेट ग्रीन को रिलीज करे, वो डेवाल ब्रेवस को रिलीज करे, उनके पास इतना पैसा तब भी नहीं आएगा। उनको बहुत प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा, तब जाके उनके पास इतना पैसा आएगा कि ऑक्शन में जाके कोई वो ढंग के प्लेयर खरीद पाए। तो भाई ढंग के प्लेयर पहले ही जो है उनको छोड़ के नए वाले लाओगे, इतनी जल्दी तो टीम नहीं बनती। हार्दिक भी कोई आके चमत्कार तो कर नहीं देगा, और हार्दिक की तो फिटनेस भी सस्पेक्ट रही है, लेकिन सुई हार्दिक पे अटकी हुई है, हार्दिक की सुई कप्तानी पे अटकी हुई है। हार्दिक 2024 में इंडिया की कप्तानी भी करेंगे T20 में, ऑलरेडी हार्दिक कैप्टन बन चुके हैं T20 फॉर्मेट में, स्टेलमेट हो गया है, यहां पर कोई भी पार्टी बच नहीं कर रही है। एबी डिविलियर्स ने भी अभी बोल दिया है कि उनको यह लग रहा है, उन्होंने ये बोला है कि भाई मुझे ये लग रहा है जितना पता चला है कि रोहित शर्मा शायद हार्दिक पांड्या को कप्तानी करने देंगे, और एक ही ऑप्शन बच गई है रोहित शर्मा के पास। के वो दूसरी टीम तलाश कर ले, जो पहली ऑप्शन है वो तो आपको बता ही दिया कि भैया हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आप खेल लो। क्या वो रोहित शर्मा को स्वीकार है? क्या रोहित के फैंस को वो स्वीकार है? क्या मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज को? मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज तो कह रही है, उन्होंने तो वहां से पहली डील डन कर रखी थी हार्दिक के साथ कि हम तो हार्दिक को लेके आ रहे हैं। अब रोहित शर्मा को पता चला कि भैया हार्दिक आ चुका है, अब आपका डिसीजन क्या है? क्या आप हार्दिक की कप्तानी में खेलेंगे? वो तो कैप्टन करेगा। क्या आप हार्दिक की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार है या किसी और फ्रेंचाइज में जाने के लिए तैयार है? फुल स्क्रीन पे आ जाइए, रोस्टर तो आपको 50 बार दिखा दिया। 16 करोड़ रुपए मिलता है मुंबई को अगर रिलीज करते हैं रोहित को, और मुंबई बुरी तरह फंस गए। भाई आपने एक बिजनेस डिसीजन लिया, आपने पहले ही अपमान तो कर चुके हैं आप रोहित शर्मा का, आपने पहले ही हार्दिक को लाके डील डन करके वापस उनको लाके, या तो आप रोहित को कप्तान रखते तो अलग बात थी, अगर रोहित कप्तान रहे तब तो बात है, लेकिन अभी यह समझ में आ रही है पांडे जी जो ब्रेकिंग हम दे रहे हैं आपको, और कल से लगातार सबसे पहले स्पोर्ट्स यारी पे सारी ब्रेकिंग मिली है। अब यह लग रहा है, जितने सोर्सेस बता रहे हैं, कि हो सकता है कि मुंबई इंडियंस कहीं रोहित शर्मा को ही छोड़ दे।